दोस्तों, हम अक्सर इस तरह के वीडियोस देखते हैं और कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन वीडियोस में जो मैं बनाता हूँ, आपके और फेवरेट जो क्रिएटर्स हैं, जो वीडियो वो बनाते हैं, उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादातर ज्ञान जो आपको मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है। वो ज्ञान मैं मानता हूँ कि ऐसी किताबों से आ रहा है। ऐसी कई सारी किताबें हैं जो हम पढ़ते हैं, उसमें से कुछ कंसेप्ट्स हमारे अंदर बैठ जाते हैं और उसके आधार पर हम हमारी लाइफ जीते हैं। सो मैं आज आपको पांच ऐसी किताबें बताना चाहता हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, और मैं मानता हूँ कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, स्मार्ट रहने के लिए आपको इन पांच किताबों को पढ़ना चाहिए। जो किताबें मैं पढ़ता हूँ वो जनरली बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, और इनमें से कई किताबें आजकल हिंदी में भी मिलती है अगर आपको हिंदी कॉपीज़ चाहिए तो। ये सारी किताबें जो है लगभग 200 से 300 रुपए के आसपास है। इनफैक्ट एक किताब जो मैं आपको आज बताऊंगा वो फ्री में भी अवेलेबल है, और इनफैक्ट दो किताबें आज जो मैं आपको बताऊंगा वो फ्री में अवेलेबल है और पीडीएफ वर्जन्स में भी मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स लुक एट कौन सी ये बुक्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन बुक्स को अगर आपको ख़रीदना है तो उनके लिंक मैं आपको जो है अमेज़ॉन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पीडीएफ की फ्री कॉपी अवेलेबल है तो उसकी लिंक भी ढूंढ कर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहली जो बुक है वो है आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। अब क्लियरली सोचना, क्लियरली जो है किसी भी चीज़ को समझना, साइकोलॉजी के अलग अलग कंसेप्ट्स को समझना एक बहुत बड़ा सुपर स्किल है। इनफैक्ट इलॉन मस्क साहब ने ट्वीट किया था कि ये कंसेप्ट जो है, जो इस किताब में है, रॉल्फ हमारे जो ऑथर है उनके द्वारा लिखी गई ये किताब आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, इसके जो कंसेप्ट है, इलॉन मस्क ने एक बार एक ग्राफिक ट्वीट किया था और कहा था कि इन कंसेप्ट को जो है स्कूल में सिखाना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि इसके कंसेप्ट जो है, एक है सर्वाइवरशिप बायस, कन्फर्मेशन बायस, संक कॉस्ट फॉलिसी। इन टॉपिक्स पर कुछ वीडियो मैंने भी बनाए हैं, इनफैक्ट इन कुछ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स जो है उन पर मेरा भी वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको दूंगा। लेकिन ये जो बुक है ऐसे 99 कंसेप्ट्स को कवर करता है, एंड जब मैंने ये बुक पढ़ना शुरू किया मैंने रियलाइज़ किया कि इतने सिंपल सिंपल साइकोलॉजिकल फंडे हैं, अगर हमें बचपन में सिखाया जाता तो लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती। जैसे कि कन्फर्मेशन बायस या सर्वाइवरशिप बायस, जब भी हम देखते हैं कि उसने दिन का इतना पैसा कमा लिया ये चीज़ सीख कर, मैं जनरली आपके लिए ऐसे वीडियोस नहीं बनाता कि इतने समय में इतना पैसा कमा लो, ये कर लो तो इतने पैसे बन जाएंगे, वैसे जो चीज़ी वीडियो होते हैं मैं आपके लिए नहीं बनाता, क्योंकि वो सर्वाइवरशिप बायस दिखाते हैं। मतलब कि 1 लाख लोगों ने ट्राई किया, एक का हो गया, अब उस एक को हीरो बनाकर हम आपको दिखा देंगे हमारे वीडियो में और आप सब लग जाओगे उसी काम को करने। लेकिन ये बात आपको किसी ने नहीं बताया कि 1 लाख में से 99,999 लोग जो है फेल हो गए वही चीज़ ट्राई करते हुए। सो ऐसे कई सारे कंसेप्ट्स हैं जो आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में कवर होते हैं। द गुड पार्ट अबाउट दिस बुक इज़ कि आप कोई भी पेज ओपन कीजिए, पढ़ने लगिए, 99 चैप्टर्स है, हर चैप्टर अपने आप में अलग नॉलेज देता है, तो आप कोई भी चैप्टर ओपन करके पढ़ सकते हैं। कोई चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाओ। दूसरी किताब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, एरिक बार्कर साहब। इनका एक फेमस ब्लॉग भी था। ये बुक जब मैंने पढ़ी, आज मैंने कहा 2018 में ये बुक मैंने पढ़ी थी, उसके बाद कई सारी कॉपीज़ खरीदी है, दोस्तों को गिफ्ट भी की है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, सक्सेस के बारे में जो भी हम सोचते हैं, जो हमारे मिसकंसेप्शंस हैं, उनको साइंटिफिकली एनालाइज करता है। क्या आप में से कई लोगों ने ये सोचा है कि अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ सकते या अच्छे लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते? तो इस बुक में एक्चुअली साइंटिफिक एनालिसिस किया गया है। डू नाइस पीपल ऑलवेज कम लास्ट, क्या ये सच है? बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, इसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ। आई विल हाईली रिकमेंड, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई किताब है, एंड अगेन इस किताब में भी आप अलग अलग चैप्टर्स जो है पढ़ सकते हो एंड आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग कंसेप्ट्स को साइंटिफिकली एनालाइज किया गया है। तीसरी बुक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं किंडल पर पढ़ रहा था, वो है एटॉमिक हैबिट्स। अब अच्छी हैबिट्स बनाना, अच्छी हैबिट्स को सस्टेन करना, अच्छी हैबिट्स को जो है अपने से जोड़ के रखना, सबको पता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो ज़रूरी है। एटॉमिक हैबिट्स जो बुक है, अगेन बहुत ही अमेजिंग बुक है जेम्स क्लियर साहब का, जो आपको बताता है कि आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो इन हैबिट्स को आप कैसे अपनाएं। कुछ बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, जैसे कि आप अगर कोई चीज़ की हैबिट बनाना चाहते हैं या हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो कैसे आप हैबिट्स को स्टैक करें एक के ऊपर एक,
या फिर आप अपनी आइडेंटिटी को किस तरह शेप करें कि आपके हैबिट्स भी सही हो। सर, एटॉमिक हैबिट्स बहुत ही फेमस बुक है, आई एम श्योर आपने उसके बारे में सुना होगा। आई विल रिकमेंड आप उस बुक को भी पढ़ें। चौथी जो बुक है वो है एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। आई एम प्रिटी श्योर ज़्यादातर लोगों ने आपको इंडिया में ये बुक रेकमेंड नहीं की होगी या आपने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा। नवल रविकांत नाम सुनकर आप देखेंगे कि वो एक इंडियन है, शायद वो इंडिया में ही पले बड़े थे, लेकिन वो आज अमेरिका में एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर है, और उनको कई बार कहा जाता है एंजल फिलोसोफर। उनकी फिलोसॉफी जो है वो अराउंड वेल्थ है, अराउंड हैप्पीनेस है, इसे हम कैसे पाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो आपके करियर में आप आगे कैसे बढ़े, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बने या एक अच्छे इंडिविजुअल कैसे बने, आप जो है अपने स्किल्स के ऊपर खेल कर कैसे जीते लाइफ में, उसके ऊपर बहुत ही प्रैक्टिकल राइटिंग्स करते हैं। और ये उनमें से नहीं है, उन फिलोसोफर्स में जो कहते हैं कि सब पैसा मोह माया है, वो तो कहते हैं कि आपको वेल्थ बनाना भी ज़रूरी है और हैप्पीनेस भी आपके लिए ज़रूरी है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल ज्ञान है नवल रविकांत जी का। इनके ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, वीडियोस बहुत सारे मैंने कंज्यूम किए हैं, एंड ऑफकोर्स ये जो उनकी बुक है वो अगेन इनके बेस्ट टीचिंग्स का कंपाइलेशन है। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस। शायद ये बुक फ्री अवेलेबल है, लेकिन कॉस्ट भी बहुत लो है अगर आप ऐसा पेपरबैक भी लेंगे तो। सारे लिंक्स मैं आपको देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। अब आखिरी बुक जिसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ वो बुक है हरमन हीस साहब का सिद्धार्था। इस बुक को मैंने लगभग 10 साल पहले पढ़ा था। इस बुक का मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इस बुक के सैकड़ों कॉपीज मैंने खरीदे हैं और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये बुक आज कॉपीराइट फ्री है, पीडीएफ फ्री अवेलेबल है, अमेज़ॉन पर पेपरबैक आपको 99 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें सिद्धार्था जो है ये एक फिक्शनल बुक है, रिलीजियस बुक नहीं है ये। इसमें जो है सिद्धार्था और गौतम बुद्ध के बीच का एक कन्वर्जेशन दिखाया गया है। बहुत ही इनलाइटनिंग या बहुत ही डीप कन्वर्जेशन है अराउंड टीचिंग, लर्निंग, विजडम। बुक का एक कोर कंसेप्ट जो है वो है थिंकिंग, फास्टिंग, वेटिंग, कैसे आप जो है अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैसे आप अपने आप को ज़्यादा वाइज बना सकते हैं। सिद्धार्था इज़ एन अमेजिंग स्टोरी। बहुत सारे अच्छे लाइफ लर्निंग्स मेरे वहाँ से आए हैं। आई होप आप इस बुक को ज़रूर पढ़ेंगे। और कोई बुक्स है जो आपको लगता है मुझे मेंशन करना चाहिए था, या और किसी प्रकार के बुक्स है जो आप चाहते हैं मैं आपको रिकमेंड करूँ? जैसे कि कई सारी बुक्स है जो मैं यहाँ ऑफिस में भी अपने कलीग्स को देता रहता हूँ, अलग अलग टॉपिक्स पर, कुछ फिनेंस पर है, कुछ अलग टाइप की चीज़ों पर है। तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके सजेशंस को पढ़ूंगा और हो सकता है अगली बार हम कुछ और बुक्स के बारे में बात करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।